आईपीएल की हिस्ट्री में हर साल एक हमें नया शतक देखने को मिलता है और हर नया शतक जो है वो फास्टेस्ट की लिस्ट में नया नाम दर्ज करवा जाता है। और हर साल हमें यानी कि आईपीएल 2008 से लेके 2024 यानी कि 17 साल हो गए, 17 साल के बीच में हमें काफी सारी जो है फास्टेस्ट सेंचुरीज देखने को मिली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टॉप 5 फास्टेस्ट सेंचुरी आईपीएल में किस किस प्लेयर का नाम है? मेरे पीछे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पे चार प्लेयर लगे हैं, इन चार में से कोई एक है। अगर आपको लगता है कि चारों में से कोई है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप जानते हैं किसी को तो उसके बारे में कमेंट बताइए। अगर नहीं जानते हैं कि टॉप 5 प्लेयर फास्टेस्ट सेंचुरी वाले इन आईपीएल हिस्ट्री में कौन कौन है, अगर नहीं जानते तो आपको बताता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने क्रिकेटिंग चीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो हर साल जो है बेमिसाल रहता है आईपीएल में, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग इंडिया का त्योहार है और हमें काफी ज्यादा शतक देखने को मिलते हैं। आईपीएल के 17वें एडिशन यानी कि 17वें सत्र में भी हमें चार शतक देखने को मिले हैं। पहला विराट कोहली, दूसरा जॉस बटलर, तीसरा रोहित शर्मा और चौथा जो है ट्रेविस हेड के बल्ले से हमें देखने को मिला। अब हेड ने जो है काफी ज्यादा हेडेक जो है इंडियन प्लेयर्स को दिया हुआ है। अब चाहे बैंगलोर के फैंस हो या फिर इंडियन टीम के फैंस हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट के फैंस हो, हर जगह जो है इन्होंने हेडेक डाल रखा है। लेकिन अब पहले बात करते हैं नंबर 5 से टॉप 5 प्लेयर जो कि आईपीएल हिस्ट्री में फास्टेस्ट सेंचुरी बना चुके हैं। तो नंबर 5 से शुरुआत करते हैं। तो नंबर 5 इस खिलाड़ी का नाम है, वो है एडम गिलक्रिस्ट, जिन्होंने 42 बॉलों में जो है अपना शतक बनाया था वर्सेस पंजाब किंग्स, जो कि पिछले बार जो वाली टीम थी किंग्स इलेवन पंजाब, उनके अगेंस्ट उन्होंने जो है शतक बनाया था सिर्फ 42 गेंदों में। इसके अलावा नंबर 4 पे इस खिलाड़ी का नाम है, उसका नाम है ट्रेविस हेड, जिन्होंने इसी आईपीएल के एडिशन यानी कि 17वें सत्र में ही जो है सिर्फ 39 बॉलों में 39 बॉल में अगेंस्ट आरसीबी 100 बनाया और जिस 100 से उन्हें अपनी टीम को जीत भी दिलाई। अब साथ में बात करें नंबर 3 की, नंबर 3 पे जो खिलाड़ी है, जो प्लेयर है, उसका नाम है डेविड मिलर, किलर मिलर, जिन्होंने 38 बॉल्स में इन मोहाली के स्टेडियम यानी कि इन मोहाली वर्सेस आरसीबी अपना 100 बनाया था। 2013 का वो सीजन था जहां डेविड मिलर ने अगेंस्ट आरसीबी इन मोहाली वो अपना 100 जो है फास्टेस्ट 100 इस आईपीएल की हिस्ट्री का भी नंबर 3 पे और ओवरऑल उनकी टीम के लिए भी फास्टेस्ट 100 जो उन्होंने बनाया था। नंबर 2 की तरफ बढ़े थे, नंबर 2 पे जो है यूसुफ पठान, जिन्होंने सिर्फ 37 बॉल्स में 2012 में अगेंस्ट मुंबई इंडियंस वो 100 बनाया था और वो 100 जो है पहला 100 था किसी भी इंडियन द्वारा। और जिस तरीके से 100 आया था, हर एक इंडियन प्लेयर काफी खुश था कि इस आईपीएल में अभी तक जो है ब्रेंडन मकलम हो गए, फिर आपके एडम गिलक्रिस्ट हो गए, इन सबके बाद जो है यूसुफ पठान ने भी अपना नाम रजिस्टर कराया था और वापस सेंचुरी की लिस्ट में अपना नाम मौजूद करवाया था और लिखवाया था। तो नंबर 2 पे जो है वो यूसुफ पठान का नाम है, 37 बॉल्स में वापस सेंचुरी। इसके अलावा नंबर 1 पे और सबसे मोस्ट एक्साइटिंग नाम और आईपीएल का, वर्ल्ड क्रिकेट का, T20 क्रिकेट का, अगर पहचान गए हैं तो बता देता हूं, नहीं अगर नहीं पहचानते तो बता देता हूं, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बता दीजिए। और नंबर 1 पे जो खिलाड़ी है उस प्लेयर का नाम है क्रिस्टोफर हेनरी गेल। जी हां, क्रिस गेल जो हैं इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं और उन्होंने सिर्फ 30 गेंदों में साल 2013 में सिर्फ 30 गेंदों पर अपना सेंचुरी कंप्लीट की थी। वो 175 बनाया था उन्होंने 61 बॉल्स में। इसके अलावा आपको मैं बता दूं तो उन्होंने 2013 में पुणे वॉरियर इंडिया की टीम के अगेंस्ट जो है वो 100 बनाया था। तो ये थे टॉप 5 प्लेयर जिन्होंने आईपीएल की हिस्ट्री में 2008 से लेके 2024 तक फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई है। एक बार फिर से आपके लिए जो है लिस्ट रिपीट कर देता हूं मैं। सबसे पहले जो है एडम गिलक्रिस्ट थे, उसके बाद जो है मैंने आपको बताया ट्रेविस हेड, उसके बाद जो मैंने आपको तीसरा नाम बताया यूसुफ पठान, फिर डेविड मिलर और उसके बाद जो है आखिरी नाम था क्रिस्टोफर हेनरी गेल का। तो ये 5 खिलाड़ी थे आईपीएल के फास्टेस्ट सेंचुरी लगाने वाले 5 खिलाड़ी। इसके अलावा अगर आप 6, 7, 8, 9, 10 पे भी जानते हैं किस किस का नाम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे एक बार ऐसी एनालिटिक्स वाली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।